करके समेट करके रखा जाता है। ये एक बलून टाइप होता है और अंदर की तरफ एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद मैंने पिछली वीडियो में आपको एयरबैग्स के बारे में बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि एयरबैग खोलना होगा और उसको किस तरीके से वर्क करता है वो दिखाने के लिए मैंने एयरबैग खोल लिया है एक हुंडई का। और इस एयरबैग को खोलकर इसमें पूरा फंक्शन मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से काम करता है। ये एयरबैग मेरे हाथ में है अभी, बिल्कुल पैक एयरबैग है और इस एयरबैग के अंदर की तरफ आप देख सकते हैं ये इसका ब्लास्टर है। ब्लास्टर माने एक छोटा सा बम मान सकते हैं आप इसको। और इसमें आप देख सकते हैं गौर से दो कनेक्शन बने हुए हैं। ये कनेक्शन आपकी जो आगे की तरफ जो आपका चेचिस होता है वहाँ एक सेंसर लगा होता है, एक स्विच लगा होता है, जैसे आपकी कार डैमेज होती है उस जगह पर सेंसर तक मार आती है तो यहाँ से इसको एक्टिवेट कर देता है। तो दोस्तों ये किस तरीके से वर्क करता है मैं इसको खोल करके दिखाने वाला हूँ और इसमें क्या क्या होता है ये भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों मैंने ये एयरबैग खोला है और एक ये मेरे पास खुला हुआ एयरबैग पड़ा है, मैं उसके अंदर आपको बता रहा हूँ कि एयरबैग में होता क्या है। एयरबैग में ये एक कैनवास होता है जो कि उसको पैक करके समेट करके रखा जाता है। ये एक बलून टाइप होता है और ये बलून इस तरीके से फूल जाता है। तो जैसे ये फूलता क्यों है और फूलता कैसे है उसके बारे में हमें इसके पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। ये इसके अंदर जो ब्लास्टर लगा हुआ है, ब्लास्टर में एक कनेक्शन है, कनेक्शन में जैसे ही अंदर की तरफ ब्लास्ट होता है और इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो जलते हैं, बर्न होते हैं और उसके बाद जो गैस आप देख रहे हैं इसको जलने के बाद ये किस तरीके से नीला पड़ गया है। तो जैसे ही ये गैस इसमें बर्न होती है, बर्न होकर के इसको हवा की तरफ भर देती है और ये फूल जाता है। ये देखिए एयर बैग है, ये इस तरीके का एक बैग होता है जो कि एयर के साथ फूल जाता है, इसीलिए इसको एयर बैग बोलते हैं। और ये एयर बैग किस तरीके से फूलता है उसके लिए कंपनी ने इसके अंदर एक ब्लास्टर लगा रखा है, छोटा एक्सप्लोजर बोल सकते हैं आप इसको, बम भी बोल सकते हैं। जैसे ही आपकी गाड़ी का चेसिस आगे से डैमेज होता है वहाँ एक सेंसर लगा हुआ होता है, वो सेंसर जैसे ही क्रॉस करता है तो ये दोनों कनेक्शन इसमें आते हैं और अंदर की तरफ एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद जब अंदर आग लगती है, अंदर की जो गैसें रिएक्शन करती हैं तो वो गैसें सब यहाँ से बहुत स्पीड से निकलती हैं और स्पीड से निकलने के बाद वो जब इसके अंदर फिट होता है तो यहाँ इसको एक सडनली एकदम झटके से इसको फुला देती है ताकि आदमी जैसे ही एक्सीडेंट हो तो आगे आकर के ना लगे। तो दोस्तों ये उसकी सेफ्टी के लिए होता है, मगर इसमें पहले जो गैस बनाई जाती थी, जो ये पार्ट इस्तेमाल किया जाता था उसमें कुछ ऐसी हार्मफुल गैसें हुआ करती थी, तो कंपनी ने उसमें तब्दीली की है और वो पहले वाली जो गैसें थी और अब वाली गैसों में बहुत फ़र्क है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊंगा कि पहले कौन सी गैसें इस्तेमाल की जाती थी जो कि रिएक्शन करती थी, अब कौन सी गैसें इस्तेमाल की जाती है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।